आए उस्मान पटेल के बल्लेबाजी देखने के लिए। पहली गेंद और उस्मान की यहां से गाड़ी चली पम 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 चार रनों के लिए। जी में दबकर और भी दिखाना होगा और उठाया यानी उड़ाया इस बार गेंद को सीधा तारामंडल यानी छह रनों के लिए। चार गेंद हो चुका दो गेंद से और यहां पर उस्मान पटेल उड़ाया गेंद को यानी आसमानी तूफानी सुल्तानी यानी हमारा अशरफ पटेल के अंदाज में जिलानी छक्का। बड़े बल्लेबाज हैं समझते होंगे, बिल्कुल सर मैंने बताया कि बड़े बल्लेबाज हैं, उनका इरादा था सिंगल चुराने का लेकिन लालच दिया ऑफ स्टंप के काफी बार और गेंद सीमा रेखा बार चार और मयूर पाटिल इस ऊपर पर खामोश रहेंगे या इस गेंदबाज के ऊपर। और बिल्कुल नजाकत देखिए, नजाकत आउटफील्ड काफी तेज, गेंद देखते देखते यहाँ पर सीमा रेखा पार चार रन। बल्ला जब चलता है तो तलोजे का दर्शक का गाड़ी पम पम हो जाता है, पूरी तरह से तलोजे का खेमा यानी पम 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 यानी उस्मान के गाड़ी के ऊपर हुआ यानी अभी भी 28 के ऊपर। और यहाँ पर जगह बनाया, रूम बनाया, वन शॉट, नो फील्डर नो चांस, कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन फॉर रन। छह गेंद मैच का निर्णायक गेंद, उस्मान पटेल ने गेंद को उड़ाया यानी इस बार गेंद सीधा तारामंडल यानी गगनचुम्बी छक्का। कहते हैं काकाजी रायगढ़ के टाइगर छोटा सचिन, लेकिन यहां पर क्या 50 तक पहुंच गए उस्मान पटेल, अर्धशतक उस्मान पटेल का। बल्ला उठाइए ऊपर की तरफ, क्या गजब की बल्लेबाजी, इसलिए अर्धशतक उस्मान पटेल आपका 50 रन बना और टीम का जीत है। इसलिए कहता हूं उस्मान पटेल का ऐसा बल्लेबाज, कभी रात का अंधेरा तो कभी दिन का सवेरा।